अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अनुशा अहमद व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में शादाबाद होंगे। तो जी हाँ, नए दिन और नए दिन का आगाज। चलिए जी, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ। हमने जो है अपने दोनों जो हमारे रूम हैं तो वो हमने जो है सेटिंग चेंज की है। वो कैसे चेंज की है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो है ये कबर्ड आ गया है और ये जो है हमारा बेड है। ये बेड हमारे ये वाले रूम में आ गया है जो ये अंदर का ही रूम था, और अब जो है ना हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। और यहाँ इस साइड पर जो है ना इनका कंप्यूटर आ गया है, ये कंप्यूटर है, और यहीं पर इनकी चेयर आ गई है। तो ये जगह यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। हमने जो है ना काफ़ी टाइम पर यहाँ पर जो है शिफ्टिंग की है, इस तरीके से बेड को यहाँ रख दिया है हमने। और ये जगह भी जो है ना हमें स्पेस मिल गया, और यहाँ पर विंडो भी लगी हुई है हमारी। ये देखें यहाँ पर इनका सामान जो था, सारे इनके जो सामान हम लोगों ने यहाँ नीचे भी रख दिया है। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, नए जो है ना ये सेटिंग हो गई है। यहाँ से भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। चले जी, तो अब यहीं से हम चलते हैं। अब हम यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है लाइट गई हुई है और यहाँ जनरेटर है। जी, तो ये वाली जो सेटिंग है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर महरमा जो है ना ये सब फैला देती हैं, पर मैं जो है ना ये कर देती हूँ। और ये देखें इन्होंने अपने घर का जो हाल किया यहाँ पर। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सेटिंग लग रही है। यहाँ पर मिरर है, देखें यहाँ मैं भी आ गई हूँ। और ये यहाँ पर जो है ना ब्लैंकेट्स वगैरह आ गए हैं, ये सब हमने सेटिंग की है और कुछ करनी है। और यहाँ पर ये देखें यहाँ बड़ा बेड जो है ये यहाँ आ गया है। अब ये मेरा रूम है और मेरी सिस्टर का है, और ये मेरी प्यारी सी बेटी का है। और यहाँ पर जो अभी सिलाई मशीन है यहाँ रख दी है। अभी इसका कवर जो है वो ख़राब हो गया, टूट गया था। अब इसको जो है मैं ऐसे ही कवर कर दूँगी। यहाँ पर बैग रख दिए हैं और यहाँ कबर्ड आ गया। और यहाँ पर ये देखें इतने स्पेस है कि हमें दीवार जो है ना मिल गई है पूरी। इतनी प्यारी जो ये वॉल है, उस वॉल पर जो है वो टेक्चर बना हुआ है। और अब ये जो है टेक्चर नज़र आएगा, पहले जो है ये टेक्चर नज़र नहीं आ रहा था, ये छुप गया था क्योंकि यहाँ पर कबर्ड रखे हुए थे, इस साइड पर भी कबर्ड थे। और अब यहाँ पर जो है बेड आ गया। अब यही सेटिंग रहेगी इंशाअल्लाह से। मिलेगी यहाँ पर हम पर्दे उतार सकते हैं। और ये ऐसे पर्दे का जो कलर है ये जो है रूम में इसी के साथ जो है हमने लिया था। यहाँ पर ये देखें वहाँ पर लाइट कलर हुआ हुआ है, यहाँ पर इस वॉल पर डार्क कलर हुआ है। दोपहर का टाइम है, देखें कितनी अच्छी जो है वो सेटिंग हो गई है। चले जी, तो अब बच्चे जो है ना वो मदरसे जा रहे थे, वो मदरसे जा रहे हैं तो मैं आपको लेकर चलती हूँ। लोग मदरसे जा रहे हैं। चले जी, दोपहर का टाइम हो रहा है, स्कूल से आ गए थे, स्कूल तो जाते ही रहते हैं। चले जी, आपको आपने नहाई नहीं भी की है, अपने ड्रेस दिखाई है। गोल घूमने का आपको अच्छा लगता है जी। आप ऐसे कर दीजिए, मैं आपका पूरा ड्रेस दिखाऊंगी ना। और मैंने बाल भी माने हैं, इतना ऊंचा हेयरबैंड माना है मैंने। मेहरमा की देखे कितनी प्यारी लग रही है, वो शाइन तो देखे तो प्यारे बाल लग रहे हैं मेहरमा के। और स्कार्फ पहन के जा रही है, तो यहाँ पर सुबह भी जा रहे हैं। मैं इसलिए आज खुशी खुशी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पेपर खत्म हो गए। आप कहाँ जा रही हैं? स्कार्फ पहन लिया ना, देखे ना। प्यारी बेटी, चलो जान अजान दिखा देती हूँ ना। अजान को देखे अजान आ गए हैं। चलो जल्दी से वजू कर लिया ना, जल्दी आओ मैं भी खड़ी हुई है। चलो सुबह जो है ना अपने क्या कर रहे हैं, जा रहे चलो मैम जाए जल्दी जल्दी को 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 मम्मी आम भी नहीं नहीं आपको बिठाए हुए जाए और मेहरमा की देखे चोट निकली। चलो चलो को 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 मेहरमा तो
जी हाँ, बच्चे तो हैं वो मदरसा जा चुके हैं और अब जो है ना मैं फ्रेश भी हो गई थी, मैंने जोर की नमाज़ भी पढ़ ली है और अब जो है ना मुझे भूखी लग रही है। मुझे भूख लग रही है तो रात में दाल चावल बने हुए थे तो मैं वो लेकर आ गई हूँ। जी हाँ, तो हम आए हैं किचन में और ये किचन में जो है रात में दाल चावल और यहाँ पर भाई दाल बनी थी तो गर्म थी, तो अब यही जो है ना मैंने निकाल ली है। ठीक है जी, तो अब यहीं पर से जो है ना मैं लेकर आती हूँ और मैंने भी जो अपने लिए दाल चावल और ये जो है ना लौंजी बनी हुई है ये निकाली है भाई। ये देखिए पौने चार हो रहे हैं, 4 बजे तक ये लोग आ जाते हैं और ये यहाँ पर देखिए ओहो लाइट ऑन हुई हुई है और यहाँ मम्मी नमाज पढ़ रही हैं, मैंने नमाज पढ़ ली है। चले मैं यहाँ पर दाल चावल खा रही थी और महरमा भी आ गई हैं मदरसे से, तो मैं आपको दिखाती हूँ महरमा ही मेरे साथ दाल चावल खाएंगी। हाय महरमा, यहाँ देखिए बच्चा वो ये स्कार्फ में पिन लगी हुई थी ना और दाल चावल खा रही है। आपको बाजी ने प्यार किया था, डांटा तो नहीं था? नहीं। अच्छा सुनाया था आपने सबक। ओहो ये देखे मेरमा दाल चावल खा रही है, मेरमा बिल्कुल सही टाइम पर आ गया पता है आपको, क्योंकि मैं दाल चावल खा रही हूँ ना, मैं आपको याद कर रही हूँ। बच्चे भी आ गए हम लोग आज दिल्ली छुट्टी लेकर आए, क्या मार्को में को दवाई लेकर जाने की रे झूठी झूठी झूठी, किसी दवाई लेने जाना है बहुत थाली। चले महरमा की बातें तो ख़त्म हो गई थी और मैंने खाना खा लिया, वो फ्री हो गई हैं और अब बच्चे जो है ना यहाँ पर एलईडी में मेरा व्लॉग लगा कर बैठे हैं, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। ये देखें यहाँ पर जो है ना मेरा व्लॉग चल रहा है, मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो अब यहीं से मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और बच्चे जो है ना बाहर मेरा ही व्लॉग देख रहे हैं और महरमा की बातें आपने सुनी, महरमा कितनी बातें करती हैं और मदरसे में पता नहीं क्या क्या कर आ गई हैं, वो सच कह रही या उसी वो मुझसे ये बात कर रही थी कि मम्मा मैंने छुट्टी ले ली है। चले जी यहीं से अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।